नमस्कार। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला के फेसबुक लाइव पेज पर आज के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के हमारे लोक गायक, हिमाचल प्रदेश की बहुत प्रसिद्ध और सुरीली आवाज करनैल राणा जी। करनैल राणा जी आज हमारे साथ हैं आज की ये शाम लोक संगीत के लिए समर्पित रहेगी। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल अकादमी का आज ये 99 प्रसारण पूर्ण होने को जा रहे हैं और इसके साथ ही हम पूरा एक शतक आज कर पाएंगे और ये हमारा सौभाग्य है कि आज के इस शतक के अवसर पर हिमाचल प्रदेश की बुलंद आवाज करनैल राणा जी हिमाचल अकादमी के इस पेज पर हमारे साथ हैं। करनैल राणा जी को हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो हिमाचल प्रदेश के मधुर और प्रख्यात लोक संगीत को जानने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, वे बड़े आदर से सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। और इन्होंने अपने जीवन में, मैं ये कहूं कि अनगिनत गीत गाए हैं। और कौन सा गीत बहुत प्रसिद्ध रहा, कौन सा कम प्रसिद्ध रहा, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। इनका एक से एक बढ़कर के गीत प्रसिद्ध रहा है। टी सीरीज का जब हिमाचल में आगमन हुआ तो मेरे ख्याल में पहले पहल करनैल राणा जी के गीत हमें सुनने को मिले हैं। कांगड़ा से इनके गीत की यात्रा आरंभ होती है, चंबा, मंडी, शिमला, हिमाचल प्रदेश में पूरे फैल करके पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है। पूरे विश्व भर में जहां भी हिमाचल प्रदेश का कोई संगीत प्रेमी है वो करनैल राणा जी के संगीत को सुनता है। जागरण के रूप में इन्हें आदर सादर आमंत्रित किया जाता है भजनों के लिए, लोक संगीत के लिए। और लोक संगीत के बहुत सारे गीत जो चाहे कर्ण रस के हैं, परंपरा से जुड़े हैं और किसी भी विधा में संगीत की आते हों, इन्होंने हर प्रकार के गीतों को गाया है, लोगों तक पहुंचाया है। और हम ये कहें कि ये करनैल राणा जी हिमाचल प्रदेश के संगीत का इंसाइक्लोपीडिया हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। करनैल जी, सबसे पहले मैं बताऊं, सरस भारती जी जम्मू से आपको सुन रही हैं। क्या बात सरस भारती जी का पिछले दिनों कार्यक्रम हुआ था और रुमालो राम जी की बेटी हैं और आपके साथ आज इस कार्यक्रम में पहले ही आपके साथ जुड़ गई हैं। तो अब मुझे ये लगता है कि मुझे आपके बीच में नहीं रहना चाहिए, मैं सीधा आपको लोक संगीत के लिए आपको आमंत्रित करता हूं कि आप भजन के माध्यम से लोक संगीत की आज की संध्या का शुभारंभ करें। श्री करनैल राणा जी, सबसे पहले तो मैं हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी का तहे दिल से धन्यवादी हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया, और कोशिश करूँगा कि आपकी अपेक्षाओं इच्छाओं पे खरा उतरने का प्रयास करूँगा। अगर कोई गलती गुस्ताखी होगी तो उसके लिए मैं पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने ये आदेश दिया है कि क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत एक भजन से की जाए, तो मैं माँ ज्वाला जी के चरणों में एक भेंट से इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। तो सुनिए ये भेंट। देवाराणी उतुरंदे मेरा मन बोल रहा
मुंदर रंगे देवा रानी चंगुल रंगे मोर मेरा मन मुंदर रंगे देवा रानी चंगुल रंगे मोर मेरा मन क्या कंद देवा रानी क्या कंद मोर मेरा मन बोलता क्या कंद देवा रानी क्या कंद मोर मेरा मन बोलता मेवा कंद देवा रानी चोग चुग दे मोर मेरा मन बोल जा तेरे मेवा कंद देवा रानी चोग चुग दे मेरा मन बोल जा तेरे उठ कर जे शेर मैया उठू नच दे मोर मेरा मन बोलदा आवा तेरे उठ कर जे शेर मैया उठू नच दे मोर मेरा मन बोलदा आवा तेरे जंगल गरज शेर मैया गुर्जर नच दे मोर मेरा मन बोलदा आवा तेरे जंगल गरज शेर मैया गुर्जर नच दे मोर मेरा मन बोलदा आवा तेरे मेरा मन बोलदा आवा तेरे बढ़िया बहुत भाव मैं माता जी चढ़ा अर्पित कर गए जी जी बहुत बहुत बड़े नाथ जी के हवाले के थोड़ी डॉक्टर साहब आपकी थोड़ी सी आवाज की थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। अच्छा मुझे लगता है थोड़ी सी कोई भजन गा को साफ नहीं सुन पा रहा हूं सर मैं। यहाँ वंदना वंदना जी लिख रही है, राणा सर आज आपको लाइव पेज पर सुनकर बहुत खुशी हो रही है, इसके लिए अकादमी के हम आभारी हैं। मैं भी अकादमी का आभारी हूँ और अनूप डोगरा जी आप सबसे निवेदन, कृपया इसको इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश विदेश में बैठे सभी हिमाचली प्रेमी भी इस कार्यक्रम को देख सकें। ये डोगरा जी कह रहे हैं, प्रवीण शर्मा जी बहुत सुंदर हिमाचल के प्रसिद्ध लोकगायक कर्नल राणा जी आपको हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और अब मैं आपको लोक संगीत की तरफ लेके चल रहा हूँ और एक लोकगीत आपको सुना रहा हूँ। आप जानते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे नौजवान फौज में भर्ती होकर मातृ वतन की रक्षा करते हैं। इसी तरह एक फौजी भाई की शादी हुई है, नई नई शादी है, और शादी के एकदम बाद फौजी भाई ड्यूटी पे चले जाते हैं। आजकल बरसात का मौसम है, आम पके हैं, पत्नी को पति की याद आ रही है, वो खत लिख रही है, पति उसे क्या जवाब दे रहे हैं, कुछ यही बातचीत इस गीत में है। वो नौकेरा अंग पति हो दिल जो रखो दरिया परदेसी सड़े मानिए गोरिए दिल जो रखो दरिया परदेसी सड़े मानिए। वो नौकेरा छोटे तेरे हो समझा ये मिंजो लंगा बोलिया वो नौकेरा छोटे तेरे हो समझा ये मिंजो लंगा बोलिया चिट्टियां दंगां दी परी मुँह हसी हसी बोलिया ओ गोरिये चिट्टियां दंगां दी परी मुँह हसी हसी बोलिया। ओ नौकेरा ओ करे लपिगिया नौकेरा पचे ओ करे लपिगिया ओ गोरिये निंदुआ तोड़ी ओ गोदापा परदेसी सड़े मामले ओ गोरिये निंदुआ तोड़ी ओ गोदापा परदेसी सड़े मामले। Thank you.
नंदा जो आई लंदे बोलिया नंदा जो आई गया लोकी लंदे बोलिया ओ गोरिए नंदा जो आओ गया एक फरमाइश लिख रहे हैं, डाडे दी बेड़ी है सौकनी मेरी है, तो ये भी मैं फरमाइश पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं। राजपूत अंकुर राणा जी लिख रहे हैं कि जो नैन मिलाया जरा मेरे, जरूर ये भी कोशिश करूंगा मैं, लेकिन पहले सरस भारती लिख रही हैं, सर आपके लाइव का तो मैं इंतजार कर रही थी, दिल खुश हो गया आपको सुनकर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो दादी जी वीडियो सौंपनी है। संतोष राठौर जी लिख रहे हैं, तो मैंने मजाक दिला मेरा, जरूर 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 पूरी करूंगा। डाडे दिए बेड़िए वो सपने तो मेरी है, जो पर डुली हो गया चीनी आज से रोटिया। डाडे दिए बेड़िए जो पर डुली हो गया सस नैया बोल दी जितनी जो जाया पूरी कदर दिया चादर सीती दौड़िया जी अतर ले जड़ी
सूजने आखिया जी पानी दो जाए के बाद सोनिया दत्त पखरोल भी ये लिख रहे हैं दो दो नणाना टोला बसना नहीं दी दिया तो थोड़ा सा स्थाई अंतरा आपको सुना देता हूं। अजीत सिंह राणा ये लिख रहे हैं मन भागम भाग हो गया। अच्छा भागम भाग हो गया क्या बात। अच्छा ये था ओ दो दो नन्ना टोला बसना नहीं दिया मैं मर जाना बचो ओ दो नन्ना टोला बसना नहीं दिया मैं मर जाना बजो के जो मरना बजो के गोरिए नणदन सोरिया जाना जो मरना बजो के गोरिए नणदन सोरिया पटिया मेरा बत से तू चूर पहनना नी दिया सूट प्लाजो वाला बत से तू चूर पहनना नी दिया
छूटे जो पहले और ये छूटे जो पहले और ये ओ दो मेरा नौ तोला बस नंगी दिलिया मैं मरी जाऊं बजोगे तू जो मनाओ बजोगे वो मेरी ये गोरिये ननगा मैं सोरिया जाना ननगा मैं सोरिया जाना ननगा मैं सोरिया जाना और एक बड़ी देर से ये बार बार फरमाइश आ रही है ये कजो नैण मलाय जिला मेरे तो सारे दोस्तों की चोरी चोरी मेरे दिखाए थे वही
चुके चक्कर और सर अनिल जी लिख रहे हैं चंबेपत में दो बेड़ियां, तो बड़े करा दिया बहुआ। चलो कोशिश करता हूं मैं, पहले चंबेपत में दो बेड़ियां। ये जो गीत है वो मेरे गांव का गीत है और इस गीत को मैंने बचपन में इसका मुखड़ा लिखा था और जब मैं कॉलेज पहुंचा तो ये कंप्लीट हुआ था। भुरना पतना एक कि बेड़ी चंबे पतना दो बेड़ियां। मलाया
सुदर्शन वशिष्ठ जी लिख रहे हैं मैला दे हेठे जान दे जवाना। तो कोशिश करता हूं
ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत सारी फरमाइशें बीच में आ रही हैं। एक काड़ुआ मजूरा, ये भी एक फरमाइश आ रही है, तो कोशिश कर रहा हूँ। बार बार आ रही, जुग जियो धारे रे गुजरो, भाई कोशिश कर रहा हूँ। ये सुरेश जी की फरमाइश है। तेरा
डॉक्टर मेरी आवाज आ रही है? जो लोग हैं, जो मेरा थोड़ा सिग्नल नहीं पा रहा हूं। हाँ, सिग्नल सिग्नल दिक्कत आ रही है थोड़ी सी ना। दीक्षा उपाध्याय जी लिख रहे हैं, तू नहीं दिसदा मोणा जी। चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो बिलासप्री लोकगीत है, उसकी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे कलाकारों ने इसके गाए हैं। गया
फरमाइशें आ रही हैं, लेकिन अनूप डोगरा जी बाबा बालकनाथ जी का भजन ये सुनना चाहते हैं तो जरूर। जी
गणेशी कुमार जी दिल्ली से लिख रहे हैं, मेरे बाबे का चिमटा कितने बजिया। तो भाई कोशिश कर रहा हूँ। रणवीर जी लिख रहे हैं कि मेरा सूटे का पहनने वाली हैं दो जनियाँ। रणवीर जी बिल्कुल पूरी पूरी करता हूँ, लेकिन ये बाबा जी की एक हाजिरी है। मेरे बाबे का चिमटा कितने बजिया, 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 मेरे बाबे मेरे जोगी जाति मुका किसे बजिया, मेरे जोगी जाति मुका किसे बजिया, मेरा भरा हो गया वो जिते जिते बजिया, मेरा भरा हो गया वो जिते जिते बजिया, मेरे जोगी जाति मुका किसे बजिया। बलवीर जी की फरमाइश थी, सचिन जी की फरमाइश है, कैसा लगा गोरी पाठ का दसना। लेकिन उससे पहले बलवीर जी की फरमाइश है। एक जोड़ा सोते दा वो जाने मेरी दो लड़ी पैया वो जानी मेरी रे, पर
जी डॉक्टर साहब, अब आ रही है आवाज? बहुत बहुत बढ़िया। अब कैसा लगा गोरी, ये पढ़े था बसना, उसके बाद बड़ी है जो तुड़का जरूर, ये भी चलो कोशिश करता हूँ। कैसा लगा गोरी पाड़े दा बसना, वो दिल लुटना गया तेरा हसना। कैसा लगा गोरी पाड़े दा बसना, दिल लुटना गया तेरा हसना। पहाड़े मनुख जेड़ा सच मोल दे, दिले बारा पैत जेड़ा सारा ओ फूल दे। कैसा लगा मुझे आड़े दा बसना, दिल लुट ले गया तेरा हसना। दिल लाना हुंदा आसान मोरिए, दिल लाना हुंदा आसान मोरिए। गणा डंडा हुंदा हथियार छोरिए, कैसा लगा मोरे बाड़े दा बसना, दिल लुट लै गया तेरा हसना। पिपड़े दा बूटा उपर कुकू बोलदा, पिपड़े दा बूटा उपर कुकू बोलदा। आवा तेरिया मेरा मनो बोलदा, कैसा लगा गोरे पाड़े दा बसना, दिल लुट लै गया वो तेरा हसना। दिल लुट लै गया वो तेरा हसना, दिल लुट लै गया वो तेरा हसना। और कौन सी फरमाइश थी? डूंगी डूंगी नदिया, डॉक्टर हेमंत शर्मा जी। बिल्कुल शर्मा जी, कोशिश कर रहा हूं। कैसा
दुगे दुगे नदियां बड़ी तेज सब। पूछती सुनती है मेरी अर्जुन सिंह जी की फरमाइश है, मोर जो बोले
सदली बंदूके जो सदली शिकारी जो सदली शिकारी जो उतिये ताए मारे रेणुका उतिये ताए मारे रेणुका मोरनी ओ मारे मोरनी गुहाना मारे मोरनी गुहाना अनूप ठाकुर जी की फरमाइश काली घघरी। तो चलो कोशिश कर रहा हूं। सोनिया सोनिया सड़ी चांदने आए चमनिया सड़ी चांदने काली कदरी काली कदरी Bye.
ठंडिया बदड़ा चिबड़े काली कदरी लिया काली कदरी लिया काली कदरी ये ज्वाला प्रसाद जी का लिखा हुआ और अच्छा सिंह परमार और ज्वाला प्रसाद जी ने गाया था, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा योगदान लोक संगीत में उनका भी रहा है। और भी तेरे ग्राएं चे नीम बसना गदन, ये बहुत पुराने पुराने लोकगीत हैं, तो थोड़े याद भी नहीं है और एकदम से थोड़ा फौजी फौजी वाला गीत, जरूर फौजी वाला गीत मैं आपको सुना रहा हूँ। और ठीके इशारा हो रहा है 8:30 बजे इस कार्यक्रम का समापन होगा, तो अगर किसी की फरमाइशें रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर फिर कभी आपसे रूबरू होने का मौका मिलेगा तो जरूर एक और फरमाइश, भेड़ा तेरिया ये दक्षा उपाध्याय जी की फरमाइश है।
विनोद भावुक जी का लिखा हुआ गीत उसकी फरमाइश आ रही है, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी थे, अभी मुझे वो याद नहीं है और किसी मैंने डायरी में लिखा तो थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी। और एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और अंतिम अपनी तरफ से एक बार फिर से मैं धन्यवाद हूँ हिमाचल कला संस्कृति अकादमी का जिन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया है। तो एक बार पुनः मैं हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी का तहे दिल से धन्यवाद हूँ और अंत में साड़ी जांदी बारी सलाम ले लोगी असवार वो कड़े तुसा पार वो कड़े साड़ी दूरे दूरे ते सलाम ले लोगी साड़ी जांदी बारी सलाम ले लोगी बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से मैं हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी का तहे दिल से धन्यवादी हूँ और इसमें जुड़े समस्त जो भी श्रोता महानुभाव मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं अगर कोई गलती गुस्ताखी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपकी अपेक्षाओं इच्छाओं पर खरा उतरने का मैंने प्रयास किया है लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और इस प्रार्थना के साथ क्योंकि कोरोना काल चल रहा है भगवान आप सबको स्वस्थ रखें सुखी रखें और आप अपना बचाव जो है वो जरूर जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उसका भी पालन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत राणा जी आज आपने बहुत प्यारे प्यारे और बड़े प्रिय भजन भजन भी गीत भी सुनाए और मेरे ख्याल में तो बहुत दिनों के बाद लोगों ने आज
ये एक संगीत संध्या को एंजॉय किया है, जिसमें हिमाचल के आपके बड़े लोकप्रिय गीत सबने सुने हैं। हम हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी की ओर से कर्नेल राणा जी और हमारे सभी दर्शकों श्रोताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और आप अकादमी के फेसबुक लाइव कार्यक्रम के साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें, बने रहें, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर रोज आपके लिए साहित्य कला संवाद के अंतर्गत नया से नया कुछ कार्यक्रम लाते रहें। इसके बाद भी हम इस यात्रा को जारी रखेंगे और अकादमी के फेसबुक लाइव पेज पर जो 100 कार्यक्रम कल पूरे होने वाले हैं, उसका आज कर्नेल राणा जी ने बहुत बढ़िया एक संगीतमयी संध्या में आगाज किया है। हम आपके कर्नेल राणा जी बहुत बहुत आभारी हैं, आपने अत्यंत व्यस्तताओं के बाद भी हमें समय दिया और आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, और आपने संगीत से आज हमारे सभी दर्शकों को, हमारे नहीं आपके अपने जो चाहने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल लॉकडाउन जी के दौरान आपको बहुत मिस कर रहे थे, आपको जी सुन जी नहीं पा रहे थे, आपके साथ उनका आमना सामना नहीं हो पा रहा था, और आज आपने अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को अपने संगीत के द्वारा मंत्रमुग्ध कर दिया है और इसका श्रेय अकादमी को मिला है। हम आपके एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आप सभी का, श्रोताओं का, दर्शकों का, कर्नेल राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।